गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी. सबसे पहले मैं अनुराधा जी को इस बहुत अच्छे कार्यक्रम के लिए मैं उनको अपनी तरफ से हार्दिक अभिनंदन और बधाई देना चाहती हूँ कि यहाँ हमें बहुत अच्छी बातें हमें यहाँ मालूम पड़ी कि कितने अच्छे काम किए जा सकते हैं और आप लोगों के द्वारा बहुत कुछ किया जा सकता है और आप लोग कर भी रहे हैं. बहुत सारी बातें कही जा चुकी हैं, हमारे लिए बहुत थोड़ा सा ही बोलने के लिए बचा है. जैसा कि आपको बताया कि मैं काउंसलिंग का काम कर रही हूँ पिछले 25 सालों से, तो वाकई में जैसा कि अभी आपने बोला कि महिलाएं बहुत सारी चीज़ों से प्रताड़ित हो रही हैं और उनके लिए बहुत सारी स्कीम्स बनाई गई हैं महिलाओं और बच्चों के लिए. जो मैंने इतने सालों में जो मेरा अनुभव रहा है, सबसे ज़्यादा जो महिला के ऊपर जो प्रताड़ना है वो है आर्थिक हिंसा, मानसिक शारीरिक हिंसा है. उसके लिए जो है सबसे पहले तो हमें महिलाओं के लिए संवेदनशील होना होगा, अपने आप को संवेदनशील बनाना पड़ा होगा. पुरुषों को महिलाओं के प्रति अपनी सोच को बदलना होगा कि वह एक इस समाज का एक अहम अंग है और वो सम्माननीय है, ना कि वो सिर्फ एक भोग की वस्तु है. जिस तरह से आज बच्चों, महिलाओं और वृद्ध महिलाओं के साथ भी बहुत गलत काम हो रहे हैं और ये कम होने की बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं, इसके लिए मैं ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस एनजीओ के साथ जुड़ी हूँ और महिला थाना परामर्श केंद्र में मैं काउंसलिंग देने का काम करती हूँ. मैं तो हम महिलाओं को अवेयर करने का काम कर रहे हैं अपने संस्था के द्वारा, उनके आत्मबल को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, बच्चों के लिए भी उनकी शिक्षा, खासकर बालिका शिक्षा पे ज़्यादा जोर देने की कोशिश की जा रही है. तो इन सब में जो है समाज के हर व्यक्ति को अपनी एक अहम भूमिका अपनानी पड़ेगी. हम जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं लेकिन जब व्यवहार में लाने की बात होती है तो हम वो व्यवहार हम नहीं कर पाते हैं, जबकि आप लोग सभी देख रहे हैं कि महिला स्पेस तक पहुंच चुकी है. तो फिर पुरुष जब अपनी सोच को बदल देगा तो मैं समझती हूँ कि महिला को अपने आप अपना एक अच्छा स्थान मिल जाएगा और वो एक सम्मानजनक अपनी जिंदगी को वो जी सकती है. और परामर्श के दौरान जो महिलाएं नहीं आती हैं समस्याएं लेके, क्योंकि यहाँ पे पुरुषों की संख्या ज़्यादा है, तो मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि वो भी अपनी समस्या लेकर आते हैं. हमारी कोशिश यही रहती है कि परिवार ना टूटे, लेकिन आप लोगों को सुन के मतलब बेहद अफसोस होगा कि आज परिवार बहुत तेजी से टूट रहे हैं और हर दूसरा के दूसरे प्रकरण में जो है वो तलाक पे जा रहे हैं. तो हमें, हम सबको मिलकर ये एक संकल्प करना है कि हम अपना परिवार तो बचाएं, लेकिन साथ में अगर हमारे आसपास भी यदि कोई ऐसी बात आ रही है देखने को, तो हम उनके लिए एक मॉडल बनके और उनको समझाएं कि हमारा अगर परिवार बना रहेगा तो समाज जुड़ा रहेगा, समाज जुड़ा रहेगा तो देश जुड़ा रहेगा. और ज़्यादा ना बोलते हुए मैं कुछ पंक्तियों के साथ अपनी बात को ख़त्म करना चाहती हूँ कि स्त्री और पुरुष बराबर है और हमें एक दूसरे को सम्मान देना चाहिए. कुछ पंक्तियाँ हैं, समाज अधूरा है महिला के बिना, वही महिला जो आधार है परिवार का, अस्तित्व है समाज का, तो क्या उसका अधिकार नहीं है चुटकी भर आज़ादी का? पुरुष स्त्री को क्या नहीं दे सकता है? धरती पे लिबास, हिमालय भर गहना, हवा भर सुंगल, आसमान भर आराम, सागर भर सुख दे सकता है. सब कुछ खुशनुमा सुबह, आनंद भरी शाम, और दे सकता है अपनी जान. पुरुष स्त्री को नहीं दे पाता तो बस चुटकी भर आज़ादी. जिस दिन हम उसको थोड़ा सा, उसको अपने निर्णय लेने के लिए यदि हम स्वतंत्र कर देंगे तो वो अपना घर, परिवार, समाज और देश में बहुत कुछ कर जाएगी. धन्यवाद.